मैं छिपाता नहीं हूँ भाई, थोड़ी सेंसिंग में प्रॉब्लम करता है ट्रैक्टर, थोड़ी ये चलता है सिर्फ अपनी पावर से। अगर इसमें सेंसिंग का सुधार कर दिया जाए तो कोई भी कंपनी। किसान भाइयों राम राम, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो किसान भाइयों आप लोग देख सकते हैं जो जो ट्रैक्टर है 744 XT 4 स्टार में। तो किसान भाइयों बात करें तो इस ट्रैक्टर में एक तो ये डिफरेंस है जो इसका एक्सल है ये एडजस्टेबल नहीं है जो कि सारा सिंपल है, लेकिन आप इससे थोड़ा ऊंचा मॉडल जो आता है 5 स्टार टॉप मॉडल में आता है ट्रैक्टर, साइड गियर के साथ आता है, प्लस वो ट्रैक्टर थोड़ा सा इसमें मतलब अच्छा भी थोड़ा लगता है। और उसमें क्या है 5 स्टार में बात करें अगर इसके इंजन सीसी की तो 3478 सीसी का इंजन इसमें ट्रैक्टर में मिल जाएगा जो कि 855 में 969 में 963 में हर ट्रैक्टर में आता है, वही सेम इंजन इसके साथ आता है। और बात करें अगर आप लोग देख सकते हैं अगर इसका 744 इसका नाम हटा दिया जाए और ये ट्रैक्टर 5 स्टार में हो तो आप लोग पहचान नहीं पाओगे कि ट्रैक्टर 855 है कि मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें जो चूल्हा नहीं आता है जो आगे की साइड 855 आप लोग देख सकते हैं वो लगा हुआ है, वो चूल्हे का मतलब इसमें डिफरेंस थोड़ा सा रहता है और कहीं से भी कुछ भी एक मतलब डिफरेंस है नहीं। हाँ थोड़ा टायर साइज़ का ऑप्शन इसमें ज़्यादा है, 16 के टायर उसमें ले सकते हैं अपन 855 में, इसमें 16 के टायर नहीं मिलेंगे, 14 और 28 के ही टायर आते हैं। और काफ़ी दमदार ट्रैक्टर है अगर बात करें 50 HP कैटेगरी में ट्रैक्टर है। और बात करें अगर इसके पीछे वाले टायर के 14 और 28 टायर मिल जाएंगे और आगे वाले 750-16 के मिल जाएंगे। और इसके एयर क्लीनर की बात करें तो इसमें आपको ड्राई टैप ऊपर की साइड ड्राई टैप मिल जाएगा, अंदर नीचे की साइड ऑयल वाला मतलब ऑयल भरा रहता है, इसमें डबल सिस्टम है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है किसान भाइयों। और बात करें तो सिंगल मतलब पूरा एक ही पीस है बोनट का, वो भी कंपनी ने सुधार कर दिया है इसीलिए ये कंपनी ने मतलब देखो किसानों को बहुतों को अच्छा नहीं लगता है बोनट, लेकिन बहुत से लोगों को अच्छा भी लगता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन किसान मतलब सुविधा के लिए किसान के सुविधा के लिए हमेशा एक कंपनी सुधार करती है। इसमें क्या सुधार है जैसे कि हमारे किसान भाई रीपर पे चलाते थे वो वाला मॉडल पुराना वाला 855 तो उसमें बोनट हमेशा खोलना पड़ता था, बहुत से किसान भाइयों को खोलना पड़ता था जिसमें क्या है कि हवा मतलब कचड़ा वगैरह अंदर की साइड से जाता था, लेकिन ये ट्रैक्टर में मतलब ये सुधार ही है कि आप रीपर वगैरह आप चलाओगे ट्रैक्टर तो बिल्कुल भी इसका बोनट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लगा के ही आप डायरेक्ट चला सकते हैं। और बात करें काफ़ी प्रीमियम लुक के साथ आता है कलर, वैसे हमको सच बताएं तो काफ़ी सुंदर लग रहा है ट्रैक्टर, हमको बिल्कुल भी मतलब ये डिफरेंस नहीं लगता है कि पुराना वाला अच्छा था ये बेकार है, भाई हमको बहुत प्यारा लगता है क्योंकि हमारे पास भी ये वाला मॉडल है 855। और सीट की बात करें तो काफ़ी आरामदायक है और स्वराज में एक खासियत और हमको लगी जो इस पर बैठने के लिए पोजीशन दी गई है, मतलब हमने बहुत सी कंपनियों में देखी है कि बहुत से भाई बोलते हैं कि अब जैसे महिंद्रा वगैरह हुए उन्हें फ्लैट मिल जाता है, तो हमने क्या हमारे पास अर्जुन नोवो भी है 605। तो देखो मैं खुद एक किसान हूँ तो मैं जो बताता हूँ सच बताता हूँ, उसमें क्या है भाई कि एक ही जगह पर अपन पैर रख सकते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत यहाँ पर दर्द होने लगता है घुटनों में मतलब। और इसमें क्या फ़ायदा है कि आप 3 जगह पे पैर रख सकते हैं, सीट अपन अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और अगर आप मतलब यहाँ रख के भी पैर चला सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं प्लस यहाँ भी रख सकते हैं, कितना आरामदायक है, बिल्कुल भी दर्द नहीं करेंगे पैर आपकी, चाहे हाइट कम हो या ज़्यादा हो बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली है नहीं। और बात करें इंजन रेटेड RPM की तो 2400 RPM इसके मतलब फुल मतलब ट्रैक्टर के साथ आते हैं, जो कि बात करें अगर PTO पावर की तो 1600 RPM पे ये PTO पावर पूरी निकाल देता है ट्रैक्टर, और यहाँ पे 1800 RPM पे ये पूरे 50 HP की पावर अपनी निकाल देता है, जनरेट करता है ट्रैक्टर। और बात करें काफ़ी शानदार हमको लगता है ट्रैक्टर भाई, कहीं से भी हमको कुछ भी मतलब इसमें वो नहीं लगा है, पहले वाले से काफ़ी सुधार कर दिया गया है ट्रैक्टर में। और ये ट्रैक्टर हाई लो गियर के साथ आता है, प्लस यहाँ पर सेम वही 855 की तरह पूरे गियर उसी जगह पर मिल जाएंगे भाई। और ये कुछ आप देख सकते हैं लिफ्ट का पूरा पोजीशन, और यहाँ पे बैटरी मोबाइल चार्ज करने के लिए बॉक्स दिया गया है, चार्जर वगैरह फ़ोन अंदर रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा साइज भी बढ़ा दिया है भाई, आरामदायक कर दिया है। और बात करें इसके भाई एक चीज़ और इसमें खासियत है जो कि बहुत से हमने देखे हैं, कई ब्रांडेड कंपनियाँ हैं जो कि ये चीज़ बहुत बड़े बड़े ट्रैक्टरों में वो भी स्पेशल देती हैं, स्पेशल मतलब ट्रैक्टरों में आती हैं, ये देख लो 540 और CRPTO भाई, ये बहुत स्पेशल चीज़ है जो कि स्वराज 744 से ही स्टार्ट कर दिया है, 744 से ही देने लगी है, प्लस रिवर्स PTO भी है ये ट्रैक्टर तो इसमें। और जॉन डियर के मैंने देखे हैं बड़े बड़े ट्रैक्टर आते हैं तो उनमें रिवर्स PTO का ऑप्शन नहीं मिलता है, आप स्पेशल ट्रैक्टर मंगाओगे तब जाके रिवर्स PTO मिलेगी, लेकिन इस ट्रैक्टर में आपको मतलब डायरेक्ट मिल जाएगी हमेशा के लिए। और आप इसके लिए क्या करना है आपको, जैसे आपको डीजल बचाना है और हल्के इम्प्लीमेंट पे ट्रैक्टर जैसे चलाना है तो आपको CRPTO लगानी है, और उसके बाद आप कौन सा भी गियर लगाइए मतलब बिल्कुल नॉर्मल रेस पे अगर डीजल मतलब बचाना है आपको, पंखा वगैरह चलाना है, पानी के पंप वगैरह चलाते हैं
तो उसमें क्या लोड पड़ता नहीं है। तो और आर्मेचर वगैरह भी लाइट का चलाना है, तो नॉर्मल आरपीएम पे आप चला के मतलब 800 आरपीएम पे चला दीजिए ट्रैक्टर को, और यहाँ पे सीआरपीटीओ पे कौन सा भी गियर अपने हिसाब से एडजस्ट करके लगा सकते हैं, उसी चाल में ये ट्रैक्टर चलने लगता है। पीटीओ काफ़ी अच्छा सुधार ये सुधार में है काफ़ी पहले से। और लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो 1800 किलो की लिफ्ट कैपेसिटी मिल जाएगी ट्रैक्टर के साथ। और यहाँ पे बात करें सेंसिंग पॉइंट की, तो स्वराज की भाई किसान भाई इतने ही हमारे देख रहे हैं भाई, हमेशा गौर ध्यान रखना, स्वराज की जो सेंसिंग पॉइंट रहता है वो सबसे ऊपर रहता है, यहाँ पे सेंसिंग ट्रैक्टर करता है भाई। और अगर आपकी मिट्टी हार्ड है या ज़्यादा है तो आप हमेशा बीच में ही चलाइए ज़्यादातर, और ज़्यादा सॉफ्ट मिट्टी है तो ही ऊपर चलाइए, उसमें क्या है कल्टीवेटर ज़्यादा धस जाएंगे तो भाई सेंसिंग ट्रैक्टर नहीं कर पाता है। और भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डबल डिस्ट्रीब्यूटर का भी आपको मतलब डबल डिस्ट्रीब्यूटर ट्रैक्टर के साथ मिल जाएंगे, जो कि आराम से किसान भाई एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, एमबी प्लाउ वगैरह चला सकते हैं। और यहाँ पे बोतल होल्डर मिल जाएगा, पीछे की साइड रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, और लाइट की बात करें वो भी पहले से चेंज कर दी गई है डिज़ाइन, जो भी फाइबर की कर दी गई है भाई, और काफ़ी शानदार ट्रैक्टर है भाई आप लोग देख सकते हैं। और ये देखिए बहुत से ट्रैक्टरों में सांकर का ऑप्शन मिलता है, लेकिन स्वराज जी एक ऐसी कंपनी है जो स्वराज 735 ये भाई 35 खड़ा है, 35 से लेके कोई भी ट्रैक्टर ले लो हर ट्रैक्टर में यही सेम मिल जाएगी आपको, बिल्कुल लॉक हो जाती है, कहीं भी लिफ्ट मतलब इधर उधर नहीं भागती है। 1800 किलो की इसकी लिफ्ट कैपेसिटी मिल जाएगी, और 855 में भाई 2000 किलो की लिफ्ट कैपेसिटी मिल जाएगी। और किसान भाइयों बात करें अगर इसके 5-स्टार मॉडल की, अगर आप इसमें 5-स्टार मॉडल लोगे तो इसमें जो इंडिकेटर हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, LED इंडिकेटर कर दिए हैं कंपनी ने 5-स्टार मॉडल में, LED टाइप के मिल जाएंगे। और N मॉडल है भाई बिल्कुल नया, आप लोग देख सकते हैं एक बार इसको खोल, देखो एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है, और बिल्कुल भी हमको मतलब कहीं से भी परेशानी नहीं आई है इसको उठाने के लिए, बस थोड़ा सा इसको लॉक उठा दिया ऑटोमेटिक उठ गया है, क्योंकि इसमें जो ये हाइड्रोलिक जैक लगा हुआ है, हाइड्रोलिक जैक कंपनी लगा के दे रही है, जिसका कितना ज़्यादा आरामदायक है देखिए आप, बिल्कुल किसान को मतलब परेशान तो होना ही नहीं है, बस थोड़ा सा इतना उठाइए और छोड़ दीजिए, देखो मैंने छोड़ दिया फिर भी उठ गया। तो भाई ये काफ़ी अच्छा सुधार किया है, बहुत से भाइयों को वैसे अच्छा नहीं लगता है, हमने देखा है कि कहते हैं नया मॉडल अच्छा नहीं लगता, लेकिन भाई इसके फ़ायदे क्या हैं वो देखो, अच्छे बुरे की बात नहीं होती है, बात होती है फ़ायदे और नुकसान की। जैसे रीपर वगैरह पे आप चलाओगे ट्रैक्टर को तो कितना आरामदायक है, ना आपको इसका बोनट खोलना है, ना सो खोलनी है, कुछ नहीं करना है भाई, ट्रैक्टर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जब बहुत से मॉडल पुराने वाले मॉडलों में क्या है ये खोलना पड़ता था, जैसे पूरा इंजन दिखता था भाई, तो वो अच्छा नहीं लगता। स्वराज ने उसी के लिए ये सुधार किया है, और रेडिएटर भी काफ़ी बड़े साइज़ में दिया गया है, ये देखिए बिल्कुल भी सील पैक कर दिया है, जो पहले वाले मॉडलों में ये सिस्टम नहीं आता था, जाली वगैरह अगर कहीं सांस है तो है, तो उससे क्या होता था भाई, बेशक बोनट में जाली इतनी साइज इतना ही था, बट जो कचड़ा आता है भाई वो साइड से आता है, लेकिन इस ट्रैक्टर में देखिए बिल्कुल बंद कर दिया है, तो इसमें कचड़ा आने का नाम और निशान ही नहीं है भाई, तो आप बिल्कुल रीपर पे चला सकते हैं ट्रैक्टर को, ये काफ़ी अच्छा सुधार किया है कंपनी ने। और बात करें इसमें ये आपको देख सकते हैं पावर स्टीयरिंग ऑयल का, वो ये इसमें कूलेंट मिल जाएगा, और उस साइड पावर स्टीयरिंग ऑयल अलग से, जो कि बहुत सी कंपनियाँ अभी भी अपने अपने ट्रैक्टरों में नहीं दे पा रही हैं, डायरेक्ट लिफ्ट से दे रही हैं ये पावर स्टीयरिंग का ऑयल, तो भाई उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है आगे चल के, क्योंकि हमारे पास हर तरीके के हमने स्वराज ट्रैक्टर चलाए हैं, पुराने मॉडल का भी 855 है, नए मॉडल का भी है, पहले था 2014 मॉडल हमारे पास है 855, तो भाई उसमें ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है कि उसका पीछे लिफ्ट से पूरा कनेक्शन था ऑयल का, तब कंपनी ने फिर 2015 से ये चेंज कर दिया था, प्लस इसमें डबल ये मिलते हैं, डबल मेल्ट मिलते हैं, आप लोग देख सकते हैं, मतलब जैसे आपका अल्टरनेटर बाय द वे ख़राब भी हो जाए तो किसान भाई इसको हटा के, और मतलब ये घिसाई भी बहुत कम होती है, ये वाला बेल्ट आप उतार सकते हैं और ट्रैक्टर चलता रहेगा, रुकने वाला नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अलग अलग दिया गया है, इंजन का अलग है और ये रेड इसका अलग है अल्टरनेटर का, तो इससे बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी और घिसावट भी काफ़ी कम होगी। ये स्वराज कंपनी ने काफ़ी अच्छे सुधार किए हैं भाई, कोई मानो ना मानो हमें तो लगता नहीं है कि स्वराज ने कहीं से भी कोई भी कमी छोड़ी है भाई। और भाई जो भी है तो हम आपको बताते ही रहते हैं, जो कुछ भी है भाई जो है हम सच्ची बताते हैं, झूठ तो बोलते नहीं, अगर कुछ कमी भी होगी भाई वो भी हम बता देते हैं, तो काफ़ी शानदार ट्रैक्टर है। और वैसे स्वराज तो ऐसी कंपनी है भाई जो इसमें हमको कोई कमी लगती ही नहीं है, कमी एक आध हो तो कह नहीं सकते, बट हाँ एक है, मैं छिपाता नहीं हूँ भाई, थोड़ी सेंसिंग में प्रॉब्लम करता है ट्रैक्टर, थोड़ी ये चलता है सिर्फ अपनी पावर से, अगर इसमें सेंसिंग का सुधार कर दिया जाए तो कोई भी कंपनी इसको टक्कर नहीं दे सकती, चाहे न्यू हॉलैंड हो कोई भी हो।
ये बैठे हैं, इनको बुरा लग जाएगा। बस सिर्फ इसमें सेंसिंग में थोड़ी प्रॉब्लम तो हमने देखी है, क्योंकि हमारे पास भी हैं सभी, 3-4 ट्रैक्टर हैं, 855 है और 44 भी है, सभी हैं। तो भाई इसमें थोड़ा सा है कि सेंसिंग थोड़ी जल्दी काम नहीं करती है, फिर भी इसमें पावर इतनी है इंजन में कि बिना सेंसिंग के भी ये ट्रैक्टर कितना अच्छा चलता है वो हमको ही पता है भाई। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो में कमेंट करके बताना भाई, जो भी बताता हूँ सच्ची बताता हूँ, आपको बुरा ना लगे भाई, कोई भी कंपनी के भाई हो तो भाई बुरा ना लगे। और हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप लोग एक बार लुक जरूर बता देना भाई, अगर इसका ये छिपा दिया जाए यहाँ से यहाँ तक तो आप यही सोचोगे कि 855 ट्रैक्टर है भाई। ठीक है भाई, धन्यवाद, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।